अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, जहानी उर्दू कायदा का सफा नंबर 5 खोलें। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक है लाइन नंबर 4, चे से बनने वाले अल्फाज। आज का सबक पढ़ने से पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। लाइन नंबर 1, हर्फ टे। टे की आवाज है ट। टे ट टोपी, टे ट टोकरी, टे ट टमाटर, टे ट टोपी, टे ट टोकरी, टे ट टमाटर। आइए अब इन अल्फाज में मौजूद हरूफ और उनकी छोटी अशकाल की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, टे से हमारे पास सबसे पहला लफ्ज है टोपी। टोपी में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले टे की छोटी शक्ल, टे के बाद वाओ अपनी मुकम्मल शक्ल में, वाओ के बाद पे की छोटी शक्ल और पे के बाद छोटी अपनी मुकम्मल शक्ल में, ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज टोपी बनाते हैं। प्यारे बच्चों, टे से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है टोकरी। टोकरी में छोटी अशकाल हैं, टे की सबसे पहले छोटी शक्ल, टे के बाद वाओ अपनी मुकम्मल शक्ल में, वाओ के बाद काफ अपनी छोटी शक्ल में, रे बदली हुई शक्ल में और छोटी अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। प्यारे बच्चों, इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज टोकरी बना है। प्यारे बच्चों, टे से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है टमाटर। टमाटर में छोटी अशकाल मौजूद हैं, सबसे पहले टे की छोटी शक्ल, टे के बाद मीम की छोटी शक्ल, मीम के बाद अलिफ अपनी मुकम्मल शक्ल में, अलिफ के बाद टे की छोटी शक्ल, टे के बाद रे अपनी बदली हुई शक्ल में मौजूद है। ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज टमाटर बनाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना आज का सबक। प्यारे बच्चों, ये है हरफ से। हरफ से की तीन मुख्तलिफ छोटी अशकाल हैं, पहली छोटी शक्ल, दूसरी छोटी शक्ल और ये है तीसरी छोटी शक्ल। हरफ से की आवाज है स। से, स, सुलस। किसी भी चीज के तीन बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को सुलस कहते हैं। से, स, समर। समर का मतलब होता है फल। से, स, सौर। सौर का मतलब होता है बैल। प्यारे बच्चों, बैल तो आपने देखा होगा। से, स, सुलस। से, स, समर। से, स, सौर। प्यारे बच्चों, आइए अब इन अल्फाज में मौजूद छोटी अशकाल और हरूफ की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है सुलस। प्यारे बच्चों, सुलस में सबसे पहले छोटी शक्ल है से की, से के बाद है छोटी शक्ल लाम की, इसके बाद से अपनी मुकम्मल शक्ल में, ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज सुलस बनाते हैं। से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है समर। समर में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले छोटी शक्ल है से की, से के बाद मीम की और रे अपनी बदली हुई शक्ल में, ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज समर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है सौर। सौर में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले से की छोटी शक्ल, से के बाद वाओ अपनी मुकम्मल शक्ल में और रे भी अपनी मुकम्मल शक्ल में, ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज सौर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जीम की आवाज है ज। जीम, ज, जूता। प्यारे बच्चों, ये है जूता। जूते को पाँव में पहनते हैं। जीम, ज, जग। प्यारे बच्चों, ये है जग की तस्वीर। जग में हम पानी डालते हैं। जीम, ज, जेब। प्यारे बच्चों, ये है जेब। जेब में हम पैसे रखते हैं। जीम, ज, जूता। जीम, ज, जग। जीम, ज, जेब। प्यारे बच्चों, आइए इन अल्फाज में मौजूद हरूफ की छोटी अशकाल की पहचान करते हैं। बच्चों, जीम से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है जूता। जूता में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले हरफ जीम की छोटी शक्ल, फिर वाओ अपनी मुकम्मल शक्ल में, ते की छोटी शक्ल और अलिफ अपनी मुकम्मल शक्ल में, प्यारे बच्चों ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज जूता बनाते हैं। जीम से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है जग। जग में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले छोटी शक्ल है जीम की और उसके बाद गाफ अपनी मुकम्मल शक्ल में, प्यारे बच्चों ये हरूफ मिलकर लफ्ज जग बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जीम से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है जेब। जेब में छोटी अशकाल हैं, सबसे पहले छोटी शक्ल है जीम की, जीम के बाद बड़िए की छोटी शक्ल, उसके बाद बे अपनी मुकम्मल शक्ल में, प्यारे बच्चों ये हरूफ मिलकर लफ्ज
जेब बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना आज का सबक। प्यारे बच्चों, ये है हरफ जे। जे की आवाज है च। प्यारे बच्चों, ये जे की तीन मुख्तलिफ छोटी अशकाल हैं। पहली शक्ल, दूसरी और ये तीसरी छोटी शक्ल। अब हम पढ़ते हैं अपना सबक। जे च चिड़िया, जे च चाबी, जे च चूजा, जे च चिड़िया। प्यारे बच्चों, चिड़िया तो आपने देखी होगी जो कि हवा में उड़ती है। जे च चाबी, चाबी से हम ताला खोलते हैं। जे च चूजा, प्यारे बच्चों चूजा तो आपने देखा होगा जो चू चू करता है। प्यारे बच्चों, आइए अब इन अल्फाज में मौजूद छोटी अशकाल और उनकी हरूफ की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, चे से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है चिड़िया। चिड़िया में छोटी अशकाल है। सबसे पहले हरफ चे की छोटी शक्ल, फिर अड़े की बदली हुई शक्ल, फिर छोटी ए की शक्ल और फिर अलिफ अपनी मुकम्मल शक्ल में। ये तमाम हरूफ मिलकर लफ्ज चिड़िया बनाते हैं। प्यारे बच्चों, चे से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है चाबी। चाबी में छोटी अशकाल है। सबसे पहले छोटी शक्ल है चे की, चे के बाद अलिफ अपनी मुकम्मल शक्ल में, अलिफ के बाद बे की छोटी शक्ल और छोटी अपनी मुकम्मल शक्ल में। प्यारे बच्चों, इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज चाबी बनता है। प्यारे बच्चों, चे से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है चूजा। चूजा में छोटी अशकाल है। सबसे पहले हरफ चे की छोटी शक्ल, वाव अपनी मुकम्मल शक्ल में, जे अपनी मुकम्मल शक्ल में और हे भी अपनी मुकम्मल शक्ल में। प्यारे बच्चों, इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज चूजा बनता है। आइए मेरे साथ एक दफा फिर से पढ़िए। चे च चिड़िया, चे च चाबी, चे च चूजा, चे च चिड़िया, चे च चाबी, चे च चूजा। प्यारे बच्चों, लफ्ज चिड़िया और चूजा में चे की ये वाली शक्ल मौजूद है, जबकि लफ्ज चाबी में चे की ये वाली शक्ल मौजूद है। प्यारे बच्चों, आज के सबक को बार बार दोहराएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अल्लाह हाफिज़।